Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muazzam Nazreen, Surat ar-Rahman, Alhamdulillah, humne kafi tafseel se uski ibtidai ayat ko padha, seekha aur sikhaya. Aur aaj hum huroof-e-tahajji ki mashq karenge phir se. Kyunki huroof-e-tahajji jab tak kisi language ke alphabets waab ke sahi nahi hote, chahe wo Arabi hai, English hai, koi bhi zuban hai. उसके अल्फाबेट जो है उर्दू है. अब देखिए उसमें टे फे थे ठे ये सारे हरूफ आते हैं तब आप एक लैंग्वेज को बोलते हैं. इस तरह गुजराती जुबान है, कोई भी जुबान है, चाइनीज ले लें, उसके सबसे पहले आप जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको सही करते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्लास एक तवील अरसे से जारी सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मोहब्बत वाले शागिर्द भी मुक्तदी भी ये इसमें बाकायदगी से अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत करते हैं और बहुत से हरूफ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सही अदा करते हैं. तो उसमें मज़ीद पुख्तगी के लिए और नए साथियों की मालूमात के लिए और फिर ये मैं अर्ज करूँगा कि जितने भी साथी जो हमारी क्लास के रेगुलर हैं, चाहे वो यहाँ फिजिकल बैठते हैं या उसको वीडियो के जरिए सीखते हैं, वो आगे बच्चों को भी सिखाएं और इस इल्म को आगे भी पहुँचाएं. और जब आप पढ़ाएंगे टीच करेंगे तो आपके इल्म में मजीद पुख्तगी आएगी, इजाफा होगा. जब आप किसी चीज को सीखने के बाद सिखाते हैं तो फिर बहुत से तजुर्बात से आप गुजरते हैं. कुछ चीजें होती हैं आपके नॉलेज में नहीं होता, जब पढ़ाते हैं तो रियलाइज होता है कि ये तो मेरी अपनी भी अभी तक गलती है. जैसे आप कहेंगे खा खा, जब पढ़ाएंगे तो आप हा पढ़ाएंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं कारी साहब ने मुझे खा बताया हुआ था. तो फिर आप कोशिश करके बच्चे को भी खा मोटा पढ़ाने की कोशिश करेंगे. तो आइए आज हरूफ़ तहज्जी से आगाज नहीं बल्कि इसमें मजीद पुख्तगी करते हैं ताकि जब आप गिरफ्त हो जाएगी हरूफ को सही मजबूत अदा कर सकेंगे तो आप तेजी में भी जब हरूफ आएंगे कुरान पाक में तो आपको एक तजर्बा होगा, आप फौरन आइन को निकालेंगे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अब देखिए तहफ्फुज में तो है तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आती है कि आप साथियों को ये सुनता हूं मैं कि तो पढ़ते हैं, इसलिए कि आपने तो की मश्क की हुई है. क्योंकि तजवीद जो है ये मश्क का नाम है, बार बार उसको दोहराना, प्रैक्टिस करना. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف باء باء قاء قاء ثاء 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 جيم جيم حا حا خا خا دال دال ذال 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 را را زا زا. अब जिन हरूफ को मैंने दो तीन दफा कहलवाया है वो मकसद ये था कि हमारी उर्दू पंजाबी जुबान में वो इस्तेमाल नहीं होते, उस तरह इस्तेमाल नहीं होते. लिखने के लिहाज से तो होते हैं, मसलन सा है इस्तेमाल होता है लेकिन वो सीन स्वाद ही की तरह है. इसी तरह खा है, खा और इवन हा हा जो है वो ए की तरह इस्तेमाल होता है. जैसे ए से अलवा कहते हैं, अलवा ए से अलवाही, उसको ए बोलते हैं उर्दू में, जबकि अरबी में उसका तलफ्फुज़ है हाँ. जैसे अल हम्दु, अल हम्दु पढ़ेंगे तो माना ही चेंज हो जाएगा. इस तरह खा है, खालिदीन फिया, आमतौर पर हालिदीन फिया पढ़ते हैं, हालिदीन फिया खालिदीन फिया हम फिया खालिदून, क्या पढ़ते हैं खालिदून. वबिल आखिरति क्या, वबिल आखिरति, वबिल आखिरति. ऐसा मेरे हमें इतना सबक काफी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इन हरूफ पर आप गिरफ्त होगी, पढ़ेंगे मजबूती से तो इतना होगा कि आप छोटे बच्चे को जब आप खुद घर में भी पढ़ाएं, टीच करें तो खुद भी आप सवाब कमाएं और बच्चों का भी इसमें फायदा है. अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए.